आपके बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है। अरे हम काम कर रहे हैं ना, आएंगे बाद में, जाके बोल दो शाम को आएंगे। बाबा को देखिए, बाबा पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, संगम में आए हैं, कुंभ मेले में आए हैं। क्या हुआ बाबा, आपको बुलाया घर पे? तो देख रहा हूँ काम कर रहे हैं, बाद में आएंगे, चल जाओ। हाँ माता जी, ये बाबा जी है हमारे। क्या हुआ विजय भैया? बाबू जी बीमार पड़ गए, उल्टी टट्टी कर रहे हैं, बिस्तरा पकड़ लिया। बिस्तरा पकड़ लिया? बाबा हम बाद में आएंगे, हमारे बाबू जी की तबीयत खराब है। चल 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 महाराज, हम बाद में आएंगे महाराज। पेशाब करके आते हैं। तुम्हारा पेशाब पेशाब नहीं, सुनामी है, पुल बह जाएगा, यहाँ ना मुतो। चला भैया, आप चलो, हम पेशाब करके आते हैं। अबे दीवार कमजोर गिर जाएगी। अम्मा क्या हुआ? कहाँ थे तू? हम तुम्हें कितना ढूंढवाए। मिलन थी। अब चलो अंदर बुला रहे हैं। चल बाबूजी, दरवाजा बंद कर, बंद कर दे। कहा हुआ भाऊजी? कुछ नहीं, क्या कर रहे थे? मेला में दर्शन करा रहे थे लोगों को। भाऊजी हमें काहे के लिए बुलाए? जब हम तुम्हारे जैसे थे ना, सिनेमा देखते थे, तो हमारे बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए। वो तो जाने वाले थे, दौरा पड़ा था ना, और हकीम जी ने तो कह दिया था चले जाएंगे। तो वो हमको बुलाए और एक ही चीज बोले, जब से हम गंगा जमुना देखे हमें जिंदगी का एहसास हो गया, और तब से वो दिलीप साहब जो हैं उनको हम फॉलो किए सारी जिंदगी, गंगा जमुना से गोपी और गोपी से दुनिया तक। तो फिर वो हमको एक शहद का बोतल दिए, शहद का बोतल देके बोले, ये लेकर तुम बम्बई जाओ यूसुफ साहब के पास, और उनसे कहना कि इसमें उंगली डालकर चाट लें। हम बम्बई पहुंचे, यूसुफ साहब का घर ढूंढे, और फिर उनके घर के सामने जाके खड़े रहे, 3 दिन तक खड़े रहे। फिर यूसुफ साहब आए, हमने उनसे कहा कि देखिए हमारे बाबूजी आपके बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप इस शहद की बोतल में उंगली डालकर शहद चाट लें, वो खुश हो जाएंगे। तो यूसुफ ने चारे, बाबूजी ने उसमें से रोज शहद खाए 1 चम्मच, और हकीम साहब क्या बोले थे, 6 महीने में चले जाएंगे, 6 साल तक जिंदा रहे। सौदागर देख कर गए, और जाते जाते क्या कह गए अम्मा से पता है? हिलो हिलो। तो बेटा अब ऐसा है कि अमिताभ बच्चन हम उनके शबरी बनना चाहते हैं, लेकिन अब बेर लेकर तुम यहां से वहां जाओगे फिर वापस आओगे तो बेर तो सड़ जाएंगे ना, तो इसलिए मुरब्बा है, अमिताभ बच्चन को बोलो कि इसमें से आधा खा ले, आधा इसमें छोड़ दे। सीता रोगी शान है जो ओ, 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 बच्चन सिनेमा का ईमान है जो ओ, ओ, रीलों से दिलों तक आया रे छाया रे छाया रे। मुंबई जा रहे हैं अमिताभ बच्चन से मिलने, उनको मुरब्बा बहुत पसंद है, हमारी अम्मा के हाथ का। ये देखिए हर जाड़े में हमारी अम्मा को फोन करके मुरब्बा मंगवाते हैं, 5 साल से ले जा रहे हैं, हमारी अम्मा के नाम से बुलाते हैं मालती। लेकिन एक ही मुरब्बा ले जा रहे हैं? अरे जिसे रक्षाबंधन में एक राखी बांधते हैं वैसे एक मुरब्बे का रिश्ता है हमारी अम्मा का और अमिताभ बच्चन का। अरे उठो भाई उठो, मुंबई आ गया मुंबई। बच्चा बच्चा गाए फ्रॉम बचपन बचपन, बच्चन 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 वो है बच्चन बच्चन। बच्चा बच्चा गाए फ्रॉम बचपन बचपन, बच्चन 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 वो है बच्चन बच्चन। नाम ही सुपर
रिश्ते में ये सबके बाप है। अरे किशन भैया, आप तो बोले थे फट से पहुंच जाएंगे अमिताभ बच्चन घर। कब से आप यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं, कब आएगा अमिताभ बच्चन घर? बच्चन 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 हो बच्चन बच्चन तो आ गए, यही है अमिताभ बच्चन का। खुश तो बात यहाँ पहले उतारने का स्टाइल लेकर आओ, जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया। कितना कितना पैसा कितना हुआ? 2100 रुपया। ए भैया, इतना पैसा होता अमिताभ बच्चन घर आने का? अरे भैया, अमिताभ बच्चन के घर आयो ना, इतना ही लगता है। किसी खान खन्ना कपूर के यहाँ आते ना तो 500 में चौंपा देते। आप भी इलाहाबाद से हो का? पैसा लाओ। लद्दू तुम, ये ले। तुम, लद्दू तुम। राम राम। तुम, तुम। यस। अमिताभ बच्चन से मिलना? अमिताभ बच्चन से अभी नहीं मिलते। उनको बताइए हम इलाहाबाद से आए हैं, हमारा नाम विजय है, उनको बता दीजिए। ऐसे ऐसे हिसाब से नहीं मिल सकता। हमारा घर मुक्तिगंज में। हाँ हाँ। हमारे घर से इनका घर जो है 1.5 किलोमीटर भी नहीं। ओके। है ना। हाँ हाँ। और उनको ये भी बताइए कि हमारा नाम अपनी कई पिक्चर में इस्तेमाल किया है विजय। आप बताइए, हम इंतजार कर लेंगे ड्राइंग में, कोई दिक्कत नहीं। सब ठीक है, लेकिन साहब ऐसे नहीं मिल सकते। कैसे मिलेंगे साहब? किसी को मिलते हैं, जब आपको साहब को मिलना है तो साहब का जो नया बंगला है जलसा, बाबा साहब पब्लिक को दर्शन देते हैं। नहीं नहीं, हमको दर्शन नहीं करना, हमको मिलना है। मतलब दर्शन हमारे यहाँ होता है इलाहाबाद कुंभ में। आपकी बात सही है, लेकिन साहब ऐसे देखिए, साहब बहुत बिजी आदमी है, वो बहुत बिजी रहते हैं और ऐसे जानते हैं, वो बिजी है। देखिए, हमारा काम बस 2 मिनट का है, आप उनको बता देंगे। हम तो उनके घर के आदमी है। आप एक खत डाल दीजिए, खत में आपका नाम, चिट्ठी हम देंगे। किसको देंगे चिट्ठी? चिट्ठी आप पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट कर दीजिए, बंगले बहुत टाइम लग जाएगा ना। कोरियर कर दीजिए। नहीं, फोन तो होगा साहब पास, उनको खबर कर दीजिए। फोन तो इतने बड़े साहब का फोन हमारे पास है ही नहीं। हाँ, तो जिनके पास है उनको बुला लीजिए। हम इनके आज संडे है, दफ्तर बंद है, कैसे बोल सकते? देखिए, हम तो वॉचमैन है यहाँ, कैसा हम हीरो बनने नहीं आए। हमारा काम है कुल मिला 2 मिनट का, जो मिला देंगे तो हम 2 मिनट में अपना बॉम्बे मेल पकड़ निकल जाएंगे। हम आपकी बात समझ गए, यहां पे ऐसे नहीं मिल सकते ना भाई। तो हम कैसे मिले फिर उनको? आप जिनके पास फोन है, चिट्ठी वाली, आप इलाहाबाद से हैं? मैं कानपुर से। आप कानपुर से हैं ना, इसलिए आप नहीं समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। साहब को जो आप फोन से खबर कर देंगे, ठीक है कि विजय आए इलाहाबाद से मुट्ठीगंज के, तब वो बुलाएंगे ना। हम घर के आदमी है तो घर की बात अलग हो जाता है। घर के आदमी है तो साहब को मालूम है, आपको हमको थोड़ी ना पता है। आप एक काम कीजिए, आपको आप बताएंगे तब तो पता चलेगा। साहब इधर मुंबई है नहीं ना, नहीं ना, बताएंगे हम, इतना आपको बोल रहे हैं। आपका एड्रेस और पता चल जाए, फोन से खबर कर दीजिए। देखिए, यहाँ का जो नियम है मैंने आपको समझा दिया, प्लीज आप यहाँ से जाइए। प्लीज प्लीज चलिए, हाथ मत लगाइए। मतलब हम आप अभी ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। मतलब प्लीज चलिए, अच्छा एक मिनट, किसके पास फोन नंबर है साहब का, ही बता दीजिए। खुदा ने सदी में अकेला ऐसा करिश्मा दिखाया है। You know, I'm a huge Amitabh Bachchan fan and I'm traveling all over the world to tell people about Amitabh Bachchan. You know, ek dusre se karte hain pyar hum, mere naal bhangra pa le. Hi. काम मिलेगा? काम मिलेगा काहे नहीं यार, तुम एक काम करो, सामान रख दो। हाँ, रख दो, हम देखें ना यार। रखो
किसको? वो काले काले है ना। भैया एक्टर बनना है वो? नहीं, हम अमिताभ बच्चन से मिलने आए। बच्चन से मिलना है? मिलने तो भैया हम भी आए थे। किससे? सुजीत कुमार से। सुजीत कुमार वो बलम परदेसिया वाले? हाँ, घर की पत्थर की रे चौड़ी पत्थर की रे मारे गुले लवा जीरा उड़े उड़े जाए। चैन से बांध देना तुम, ठीक है? और सुनो, कोई कीमती चीज हो तो निकाल ले अपना। अरे ऐसी कौन सी कीमती चीज है इसमें? ये मुरब्बा है। मुरब्बा? हाँ। इतना कीमती ऐसा इसमें कहा है? हम बाद में आपको बताएंगे। तो हमें खिला दो यार थोड़ा। एक ही है ना? तो आधा आधा खा लेंगे ना यार। असल में हमारे बाबूजी का जिंदगी भर का सारा अरमान इसी मुरब्बे में है। ठीक, कोई बात नहीं, अंदर चलो। सुनो, आराम से चलना, सब लोग सो रहे हैं। अरे यार चप्पल काहे उठाला है? सो आराम से, सुबह हम मकान मालिक से बात कर लेंगे। ये रख लो अपना कीमती मुरब्बा, और हमें उठाना नहीं रात को बिल्कुल। नहीं, आप सो जाइए। हाँ, कहाँ से हो भाई? हम तो इलाहाबाद के हैं, मुट्ठीगंज से। आपका भी नाम अमिताभ बच्चन है क्या? नहीं भाई, हमारा नाम विजय। आपका नाम विजय है? हाँ, हमारा नाम भी विजय है। विजय विजय फोटो खिंचाइयो। अरे खिंचवा लो। हम मिलने आए अमिताभ बच्चन से। हाँ तो मिलवा देंगे। मिलवा देंगे? हाँ, फोटो खिंचवा लो, मिलवा देंगे। अरे भाई, हम उनके साथ नहीं है। क्या बोल रहा है? नहीं, हम उनके साथ नहीं है। निकल निकल। सबर की चीनी से तर है, पुराना हो तो बेहतर है। गजब की जात मुरब्बा चले रे भैया। कि जितने मौसम देखे हो ललक उतनी ही भीतर है। हर एक जज्बात मुरब्बा चले रे भैया। मुरब्बा मुरब्बा है दिल भी मुरब्बा। मुरब्बा मुरब्बा है दिल भी मुरब्बा। सुनियो रे बड़ा ही अजूबा फसाना है। और फोटो यार, तुम ऐसे किसी भी टाइम आ जाओगे ना तो हम तुमको नहीं रख पाएंगे। अरे ऐसा ना बोलिए भैया, हम आप ही जानते हैं कहाँ जाएंगे हम। अरे यार, एक ही शर्त पर रख पाएंगे, बोलो। तुम्हें खाना मिलेगा बस, मंजूर है? हाँ ठीक है, जब भी आओ जब जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें अपना समझ के रख लिए, तुम होशियारी दिखाने लगे अब। और भैया मिले अमिताभ बच्चन से? आपको कैसे मालूम अमिताभ बच्चन से मिलने आए हैं? पता है हमको भाई। कैसे? हाँ, कौन हो आप? पहचाने नहीं? अरे साला, तुम हमको पहचानता नहीं है? मुंबई में आने के बाद हमको भूल गए तुम। विजय गिरी? अरे वाह रे भैया, कमाल है। दाढ़ी कहाँ गई आपकी? अरे दाढ़ी भैया देखो, सुबह लगती है शाम को निकाल दी जाती है। काम है अपना। अरे विजय कौन है? विजय मैं हूं सर, मैं हूं विजय। विजय विजय मैं हूं सर, विजय मैं हूं। विजय कुमार कौन से वाले? कौन से वाले? इलाहाबाद वाला विजय। इलाहाबाद है भाई हम। चलो 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 अंदर। अरे हम भी तो इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, हमको कब बुलाएंगे? अरे भैया जिनको साहब बुलाएंगे वो अंदर जाएंगे। हैं, इतने दिन से खड़े हो तो क्या कर रहे हो? चलो, हमको मुरब्बा खिलाना था बस। मुरब्बा? हाँ
ये वाला मुरब्बा खाएंगे साहब, फफूंदी वाला हैं? उनका पेट खराब हो गया तो लोगों करोड़पति तुम बनवाओगे? अब बाबूजी भेजे हैं, आधा खा लें, हम चले जाएंगे आज ही। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि तुम यहीं बैठो, हम अभी मुरब्बा अंदर दे के आते हैं, ठीक है? चलो भैया। क्या हुआ भैया, माँ काम हुआ का? भैया हम तुम्हारा मुरब्बा अंदर दे दिए। तो पता करिए खाए का साहब, खाए का। आपको मुरब्बा गया जांच के लिए, ये देखेगा खराब है या सही है। भैया वो अमिताभ बच्चन है, ऐसी नहीं खाते कोई चीज। भैया बोलो ना, मुरब्बा खा ले भैया, हमारे पास भोजन के लिए पैसा नहीं बचा भैया, हमें दो दिन बाद वापस जाना है, रिटर्न टिकट है हमारा भैया, आप समझो भैया, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहा नहीं जा रहा भैया, आप तो खानपुर का काम करा दो। हमने तुम्हें उत्तर बता दिया, वॉचमैन है भैया हम यहाँ पे। भैया आप नहीं करोगे कौन करेगा, दो मिनट में काम हो जाएगा भैया, देखो ऐसे में लॉलीपॉप ना चटाऊंगा। लॉलीपॉप नहीं चटा रहे, देखो ऐसा है 6 बजे तो कोई बात अंदर से हमारे पास तक आती है, हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है? हाँ। लेकिन 6 बजे के बाद हो जाएगा वॉचमैन चेंज, तो उससे पूछ लेना। हम यार क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जाओ भीड़ मत लगाओ यार, चलो। अरे जाओ यार। भैया दो मिनट दरवाजा खोलिए। भैया 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। भैया दो बात सुन लीजिए मैंने, भैया भैया ये वहीं से कहो क्या बात करनी है, हम सुन लेंगे। कितना लेंगे भैया? क्या लेंगे? अमिताभ बच्चन मुरब्बा खिलाने कितना लेंगे? 5 बैठो बैठो। पहले बता देते आप, इतना सब झमेला में हम पड़ गए। आप तो लोग लेते हैं आजकल, बोल देते हैं आपको इतना दिक्कत। क्या कर भैया, आपको मार कर रहे आपको, रिश्वत दोगे हमें? हमारे पिताजी ने वहाँ काम किया, अब हम वहाँ काम करें इतने सालों से, इतने सालों की नौकरी पे धप्पा लगाओगे मैं तुम्हें। हमारे पिताजी ने हमको मुरब्बा देके भेजा था, हम सोचे 2 मिनट में काम करके वापस चले जाएंगे, लेकिन यह तो पूरा समुद्र मंथन हो गया भैया, आप समझ रहे हैं। भैया कोई चोरी करने थोड़ी आए भैया, कोई जहर थोड़ी खिलाएंगे, मुरब्बा खिलाने आए भैया, आप समझ रहे हैं, वो हालत बहुत खराब हो गया अभी, वो खाने के लिए पैसा नहीं है, हम जहाँ रहते थे वहाँ से लोग वहाँ सामान फेंक दिए, यहाँ हगने के लिए भी 2 रुपया मांगते हैं भैया, समझ रहे हैं, बहुत खराब हालत है भैया। ऐसा कल आ जाओ, हमारे भगवान कल तुम्हारा काम करा देंगे। कहाँ जाएंगे भैया, हमारे रहने के लिए कुछ जगह, ठीक है अब कल आ जाएंगे भैया, आप ही भरोसे भैया। मुझे भैया लंबू अंकल से मिलेगा। अरे भैया बचनवा से मिले। अच्छा आप बच्चन से मिले क्या? उड़ो मिली आपको मेरा अमिताभ बच्चन ही खाए हैं? जी हाँ पक्का वही खाए हैं? जी हाँ वही खाए।
कहाँ से भूत है वही खाएं, आप भी खा सकते हो, कोई और भी खा सकता है। हाँ देखिए एक मिनट, आप अपना दांत दिखाइए, हम उनका दांत पहचानते हैं, वो हम टीवी में पिक्चर में देखे, हम समझ जाएंगे, आप अपना दांत दिखाइए। अरे भैया वही खाए, चलिए वही खाए, अरे वही खाए तो एक बार वो आके मिल के बोल नहीं सकते कि वो खाए कि नहीं खाए। हाँ इतने में उनका काम ही गड़ जाएगा, उनको बोलिए ना एक बार, हम इसी काम के लिए, उनको बोलिए एक बार। अरे राजू आने दो, आने दो। आज हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खुश तो रहते हुए था, जिसने 25 बरस अपनी माँ को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा हो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। जान का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है बसंत? राजू अरे दोस्त, बस प्रणाम। सर हमारा नाम विजय है, मुठ्ठीगंज इलाहाबाद से। हमारे बाबूजी बिस्तर पे वो मर रहे हैं, वो आपके लिए मुरब्बा भेजे हैं, हमें अम्मा बनाई, अब खा लीजिए। हाँ तो खा तो लिया था, यही खाया था ना। हाँ सर यही खाया, खा लिया। हम देखे नहीं ना अपनी आँख से, बाबूजी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, मतलब हमको भरोसा हो जाएगा। एक बार आप खा लीजिए, फिर खा लीजिए। ठीक है खोलिए। आज माना दुकानों में जमाना, दुकानों में कांच के मर्तबानों में कैद है ये रखा, पर किसी की रसोई में इसने उम्मीद सो की थी है तभी बन सका। ओ, इसके जरिए ही जाना है, मीठा मीठा सा होता है जायका दर्द का। लेकिन ना हमको तोते जैसे यहाँ वहाँ फिरा रहे हो लोग। हम बोले भैया देखो लाली पाक न छटाओ, हमें छोटा सा काम जाक बता दोगे, हमको बुला लेंगे। लेकिन बुलाए ना, और बल्कि हालत ये थी कि एक बार तो ये बोला कि तुम्हारे जो ये मुरब्बा है ऊपर रखे हैं, वो मुरब्बे को क्या बोल रहा है कि मुरब्बा जो है जाएगा टेस्टिंग के लिए, लैब में भेजेंगे टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए कि वो सही है कि नहीं। हम कह रहे हमारी अम्मा का मुरब्बा जब इलाहाबाद में बनता है तो पूरे मोहल्ले के लोग आके दो दो पीस चार चार पीस लेके जाते हैं अपने लड़कों को खिलाने के लिए। हमको कभी बोले वो बंगले पे चले जाइए, फिर कभी बोले कि वो बंगले पे चले जाइए। हमको बंगला नचाया, ऐसा नचाया वो कुत्ते के जैसा। अरे एक तो कुत्ता हमारा दोस्त हो गया। बस इतना तुम बता दो कि हम आए इलाहाबाद से तो हमें खुद ही बुला लेंगे, लेकिन वो बताइए ना करे। फिर क्या हुआ, फाइनली जीत तो सत्य की न होती है, खबर पहुंच गई कहीं से। खबर पहुंच गई तो उस सरोलो खुद फाटक खोले, बहुत बड़े बकाई बन रहे थे, ऐसा भीनी बिल्ली जैसे हमको देख रहे थे। जब हम घुसे अंदर एक आया हमारा बाइक ले लिया है ना, ऐसा छोटा सा मुंह बन गया था, सब खड़े थे ऐसे चारों ओर बंगला में, ऐसे टोपी लगा के सब खड़े थे, ऐसे देख रहे थे तोते के जैसे। हम कुछ बोले नहीं, अब हम लोग इलाहाबाद के लोग है ना, इलाहाबाद में कैसा पान वाला भी इंटेलेक्चुअल हुआ करता है ना, इलाहाबाद की धरती इलाहाबाद का पानी है ऐसा है जो पैदा हो गया साला पैदाइशी इंटेलेक्चुअल है ना ऐसा झलकता है, ऐसा इंटेलेक्ट जो है झलकता है। बड़े बड़े लोग हुए इलाहाबाद में, बच्चन साहब भी तो यहीं से है ना, देखो कितना बड़ा काम किया। अब हम कैसे अभी जैसे बड़े हो रहे तो अभी उसके समझ में नहीं आया, ऐसे खड़े
बात है कल से ज्यादा आज तर लगता है कल फिर खाना बेहतर लगता है ले चख ले ये मुरब्बा दुबला काहे हो गया खाते बाते नहीं थे का बाबू जी कहाँ हैं जीते रहो मिले अमिताभ बच्चन हाँ मिले बहुत प्यार से मिले हमारे सामने अपने हाथ से निकाल खाए मुरब्बा का मर्तबान कहाँ टूटा नहीं टूटा वही है कहाँ टूटा ट्रेन में चढ़ने से पहले ट्रेन में या ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन में और मुरब्बा उस पे एक आदमी पैर रख दिया वो कुछ उपचा गया बाबूजी जब हमको शहद का बोतल लेकर भेजे थे तो पूरा शहद में चींटी लग गया था यूसुफ साहब ने चाटने से मना कर दिया था बोले हम चाट लेते लेकिन ये नहीं चाट सकते तो हमने खुद ही उंगली डालकर चाट लिया अब बाबूजी चींटी की वजह से जिंदा रहे या शहद की वजह से ये तो पता नहीं पर एक बात है बेटा अचार की बोतल में कभी मुरब्बा नहीं रखना चाहिए अभी तुम सच में अमिताभ बच्चन से मिले बाबूजी भेजे थे जाके मिला तो क्या बोले कौन अरे भाई अमिताभ बच्चन कुछ नहीं आशीर्वाद दिए हम चले आए और बाबूजी यही कि अचार की बोतल में कभी मुरब्बा नहीं रखना चाहिए